देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करें। इस लॉकडाउन में मैं समझता हूँ कि जनता को कुछ तकलीफें हो रही होंगी, लेकिन उन तकलीफों का सामना करते हुए भी हमको बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है। और आज शाम के लिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने घर पर ही रह के आपको दिए जलाने हैं। बहुत सख्त गश्त और निगरानी रहेगी उस समय, किसी को भी अपने घर के बाहर नहीं निकलना है। सभी को आज जो दिए जलाने का काम है 9 बजे, वो अपने घर पर ही करना है। देखिए, हम लोग अभी निकले हैं, जितने कंटेनमेंट जोन हमारे हैं मेन में, जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा आउटब्रेक है इस डिसीज़ का, उन जगहों को हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि वहाँ पर कंटेनमेंट की क्या स्थिति है उसमें। इसके अलावा अभी अगर मैं ओवरऑल स्थिति की बात करूँ तो 128 पॉजिटिव मरीज अभी तक हमारे यहाँ इंदौर में आए हैं इसमें। लेकिन अच्छी बात ये आज रही कि 13 मरीज जो कल हमने सैंपल लिए थे, जो लोग अस्पताल में भर्ती थे कोविड हॉस्पिटल में, उनके काफ़ी लक्षण सुधर रहे थे, उनका सैंपल लेने पे जब रिपोर्ट आ जाई है तो उसमें 13 लोग निगेटिव हो चुके हैं। जो लोग पहले संक्रमित थे वो संक्रमण से बाहर आए हैं, आज उनका सैंपल फिर से लिया गया। अगर आज भी वो निगेटिव आएंगे तो कल हम उनको डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो मतलब ये है कि अब थोड़ा सा इस दिशा में शुरुआत हुई है कि लोग बीमारी से लड़कर बाहर आ रहे हैं इसमें। इसके अलावा आज से किराना का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने डोर टू डोर शुरू किया है, तो उससे भी धीरे धीरे स्थिति जब होम डिलीवरी में दे पाएंगे तो लॉकडाउन को हम थोड़ा लंबा खींच पाएंगे, इसकी हमको आवश्यकता लगती है यहाँ पर। और सभी कंटेनमेंट जोन में बहुत सख्ती से की निगरानी रखी जा रही है, कोई किसी प्रकार का उसमें बाहर लोग ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे वहाँ पर, क्योंकि इन इलाकों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए यही एक सबसे बड़ा जरिया है। और लगातार इस तरह की सख्ती हम लोग बरकरार रखें। नहीं, सभी को ये कहा गया है कि इंदौर से अगर कोई अभी बात की अवधि में कोई गया है अगर मार्च में, तो उसको ज़रूर निगरानी उसकी रखी जाए। और अभी हमारे संभाग के 2 अन्य ज़िलों में भी पॉजिटिव मरीज आए हैं, 4 केसेस अभी तक खरगोन में पॉजिटिव आ चुके हैं और 3 केसेस सिंधवा में आ चुके हैं। सिंधवा का केस तो जिस फैमिली में आया है वो UAE का ट्रैवलर था, उससे लिंक्ड है। और खरगोन में भी जो तबलीगी जमात का एक व्यक्ति आया था उससे लिंक था, और एक केस उसमें डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जो कि इंदौर से गए हुए व्यक्ति के माध्यम से वहाँ पे गया है। तो ये सावधानी रखने के लिए सबको बताया गया है। वहाँ के भी पेशेंट्स, जो 6 पेशेंट्स हैं, उनको भी MRTV में शिफ्ट कर दिया गया और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। जो प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी जो खाद्य पदार्थों की जो शुरू की गई है, उसकी समीक्षा करने के लिए आज बाहर निकले हैं, और इसमें पुलिस की भी विभिन्न मोबाइल लगाई गई हैं। किसी एरिया में कोई राशन दुकान पर यह सोच के कि ये राशन दुकान खुल गई हैं, ऐसे जाके वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करे, तो इस तरह इसका जायज़ा लेने के लिए बाहर निकले हैं। और आज जो 9 बजे का जो कार्यक्रम है उसमें भी लोगों से यही अपील है कि अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। बाहर पेट्रोलिंग की जाएगी और अगर जो लोग बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी जो खाद्य पदार्थों की जो शुरू की गई है, उसकी समीक्षा करने के लिए आज बाहर निकले हैं, और इसमें पुलिस की भी विभिन्न मोबाइल लगाई गई हैं। किसी एरिया में कोई राशन दुकान पर यह सोच के कि यह राशन दुकान खुल गई हैं, ऐसे जाके वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करे, तो इस तरह इसका जायज़ा लेने के लिए बाहर निकले हैं। और आज जो 9 बजे का जो कार्यक्रम है उसमें भी लोगों से यही अपील है कि अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। बाहर पेट्रोलिंग की जाएगी और अगर जो लोग बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।